पंजाब विश्वविद्यालय में बुधवार को हुए छात्र संघ चुनाव में कांग्रेस की छात्र इकाई नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया ने अध्यक्ष पद पर जीत का परचम फहराया। NSUI के उम्मीदवार जतेंद्र सिंह विर्क ने 603 वोटों से अपने प्रतिद्वंदी आम आदमी पार्टी के छात्र संगठन CYSS के उम्मीदवार दिव्यांश ठाकुर को मात दी। जतेंद्र को कुल 3002 मत मिले, जबकि दिव्यांश ठाकुर ने 2399 मत हासिल किए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उम्मीदवार राकेश देशवाल 2182 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रहे। NSUI इस बार सिर्फ अध्यक्ष पद पर ही चुनाव लड़ी थी। वहीं पंजाब यूनिवर्सिटी के उपाध्यक्ष पद के चुनाव में छात्र संगठन सत की रमनीत कौर ने 4084, महासचिव पद पर हरियाणा की जननायक पार्टी की छात्र इकाई इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के प्रत्याशी दीपक गोयत ने 4431 और संयुक्त सचिव पद के छात्र संगठन PUHH के गौरव चहल ने 3140 वोट हासिल कर जीत दर्ज की। परिणाम घोषित होने के साथ ही पंजाब यूनिवर्सिटी में जश्न का सिलसिला शुरू हो गया। NSUI की जीत के जश्न में चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष HS लक्की और इनसो के जश्न में जजपा नेता दिग्विजय चौटाला शामिल हुए। आपको बता दें कि पंजाब विश्वविद्यालय के अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज करने वाले चंडीगढ़ निवासी और UICET के शोधार्थी जतेंद्र सिंह विर्क साधारण परिवार से संबंध रखते हैं। जतेंद्र ने बताया कि पिता सुखदेव सिंह नेहरू युवा केंद्र के निदेशक पद से सेवानिवृत्त हैं और माता बलविंदर कौर गृहिणी हैं। PU छात्र संघ अध्यक्ष चुने जाने के बाद अब सबसे पहला काम छात्र संघ का संविधान बनाना होगा। इसके साथ ही वह PU छात्र संघ की वेबसाइट भी तैयार करा रहे हैं। इसके लिए उन्होंने जीत से पहले ही डिजाइनिंग का काम शुरू करा दिया है। कहा कि हम छात्र संघ में छात्रों के लिए पारदर्शिता लाना चाहते हैं। इसके अलावा लड़कियों के लिए प्रति सेमेस्टर 12 मेंस टूअल की छुट्टी दिलवाना प्रमुख लक्ष्य है। PU में वह पिछले 7 साल से छात्र हित के लिए कार्य कर रहे हैं। PU के विद्यार्थियों के भरोसे और NSUI परिवार की मेहनत की बदौलत ये जीत उन्होंने दर्ज की है। उन्होंने आगे कहा कि PU के छात्रों ने पंजाब में पिछले 1 साल से चल रहे VIP और MP-MLA कल्चर को नकार कर छात्र संघर्ष की जीत दिलवाई है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।